बड़े होते हैं तो इम्पोर्टेंट है जो आप सोच के आए वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ सिर्फ आप टाइम पास करने आ रहे हैं, यहाँ आप एवरी डे उसका कुछ थोड़ा 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 इम्प्रूव है। और यहाँ भी अगर आप अच्छा करते हो तो कॉन्फिडेंस कैरी करता है मैचिंग, तो मसल मेमोरी में जाए, अगर यहाँ में आदत पड़ जाए ना कि आउट ही नहीं होना मैच में भी आउट करके देखेंगे, तो नोट करो एक हफ्ते में 5 बार खेले हम, 3 बार खेले, 3 दिन अपना नेट होता है ओके, 3 दिन में यहाँ नॉट आउट हो, नॉट आउट हो, ये नहीं कि पैड पे लगा बीच पे लगा और तुम कहो जी तो आउट ही नहीं थी, फिर तो बैट्समैन लोग आउट मानते भी नहीं है ओके। तो इस तरह से वो प्लानिंग होगी कि हम टारगेट रखा इस हफ्ते में आउट होंगे, देखते बहुत अच्छा कॉम्पिटिशन है यार, 3 दिन हो गए मतलब 3 नेट्स हैं, मैं आऊँ नॉट आउट हूँ भाई, चल भाई आज भी समोसा खिलाऊंगा, आज भी खिलाऊंगा आउट कर, ऐसे ही बॉलिंग का वो पर्सन डालना बहुत जरूरी है। और विद द हेल्प ऑफ कोचिंग आप कैसे आगे ले सकते हो, क्या पसंद है, मैं बैटिंग में जा रहा हूँ आज क्या सोचते हो, मैंने कवर ड्राइव पे बैटिंग कर रहा हूँ, मुझे क्या काम कर रहे हो, मुझे कवर ड्राइव पे कुछ काम करना है तो नेट पे ये गया मैं इस पे काम करना है, तो ये गोल सेट कर सकते हैं ये वाला हम आज के दिन का काम करना है। वी हैव क्वालिफाइड कोचेज भाटे जी यहाँ स्पेशल आते हैं जो हिमाचल की विंटर जो प्लेयर लोग थोड़ी स्कोरी फर्स्ट जैसे एंड अदर थिंग जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो आपको क्रिकेट में भी इन जनरल लाइफ में भी काम आएगी कि आपको एक अच्छा इंसान बनना है, एक दूसरे की हेल्प कर, ये नहीं कि जैसे टांग खींची उधर से खींचा, किसी को नौकरी के लिए अगर कोई नहीं मिल रहा है छोटा है या बड़ा है हेल्प करना है जरूर से, कोचिंग भी मिलेंगे और ये टीम भी है, फील्डर नहीं है कोई नॉकिंग कर रहा है उसको हेल्प करके खाली खड़े होने के लिए, 2-2.5 घंटे 3 घंटे आपके पास है, एक एक मिनट यूटिलाइज करो, सेक्रीफाइस करके आए हो मेरे लिए तो आप पढ़ाई और कर सकते हो मार्केट में ओके। तो ये कहना आसान है, ये करना कई बार जब थोड़ा सा हो जाता है कि बर्थडे पार्टी में ज़्यादा अच्छा है आज नहीं करते हैं आज कि भी अगर कुछ उनसे पूछना चाहें या कुछ तो फील फ्री टू आप, जैसे कभी कभी है तो कभी कभी है तो होता है अभी बिल्डिंग कर रहे थे तो डर से लग रहा था बहुत सारे बहुत ज़्यादा मतलब बीच में आया नहीं था तो या तो कभी कभी आ गया उसको 7 दिन के बाद आ रहा है तो उसको डर लगने लग गया, मतलब वो ब्रेक ज़्यादा हो गया, ज़्यादा ब्रेक नहीं लेने अन्य वैलिड रीज़न है आपके एग्जाम्स हैं, हम नहीं कहेंगे एग्जाम के पहले वाले दिन आओ बट आप प्रैक्टिस में सिंपल है क्रिकेट में या किसी भी फील्डिंग हो कीपिंग हो बड़ा इंपॉर्टेंट है बॉल कर सकते और डर जो है मेंटली होता है थोड़ा सा स्किल भी आपने बताया आउट ऑफ प्रैक्टिस हो गए थे बट स्टिल उतना डर नहीं लग रहा है, थोड़ा बॉल को अच्छा देख रहे हैं थोड़ा सा बेसिक फॉलो कर रहे हैं आप उसके बाद डेंजरस जगह हो तो हेलमेट कीपिंग करते हुए अगर पोजिशन डिफेंस आ रहा है डर लग रहा है बॉल द बॉल कॉन्सेंट्रेट देख तो रहे हैं बट शायद उसकी कॉन्सेंट्रेशन हमें बॉल लेट ठीक है सर इसलिए हमें झटका लग रहा है, कॉन्सेंट्रेशन एंड सिंपल थिंग वॉच क्लोज बॉल डाल के स्विंग पे कंट्रोल वो लाइन लेंथ पे कंट्रोल वो बॉल डाल के, ये थोड़ा सा मिसकंसेप्शन है हमारा कि हम जिम में बॉडी बना लें उससे बॉलिंग हो जाएगी, जिम में बॉडी बनाना इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो भी इंपॉर्टेंट है मैं नहीं कहूँगा मत करो बट उसके साथ कि स्किल भी डेवलप कर रही है, एक बैट्समैन को हम कहें कि बिना बैटिंग के डेवलप हो जाएगा नहीं होगा, बॉलर्स का वर्कलोड ज़्यादा होता है जितना बैट्समैन बैटिंग करते हैं हम नहीं कहेंगे उतना बॉलिंग करो पर जितना बॉडी अलाउ करते हैं आप तेज खेलोगे कल को पच्चीस पच्चीस वो डालोगे अच्छा डाल दो तो कप्तान 30 भी डला देगा एक घंटे डालते हैं।